बिहार में अब तक सीट शेयरिंग का मामला अटका हुआ है और उसकी बड़ी वजह यह है कि चिराग पासवान नाराज हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को हर हाल में हाजीपुर सीट चाहिए, जिस पर उनके चाचा पशुपति पारस कब्जा जमाए हुए हैं। वहीं इसे लेकर चिराग की पार्टी ने दावा ठोका था कि वहां से चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा था कि हाजीपुर सीट से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम 40 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चाचा भी दाव ठोक रहे हैं और हाजीपुर सीट को लेकर 100% ये फाइनल है। अरे भाई, हाजीपुर सीट से हम लड़ेंगे। अरे भाई, सबका अधिकार है, वो उनका अधिकार है, वो अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अब इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाजीपुर की लगभग पूरी भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने लिखित रूप से प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिख दिया है कि हाजीपुर से कौन प्रतिनिधित्व करे। मोदी जी ने परिवार वाद का सवाल उठाया है। एक मिनट। अरे घर में लड़ाई कहाँ है, कोई लड़ाई नहीं है। हमारे पास संगठन है, हमारे पास लोकप्रियता है, हमारे नेता के विजन में लोगों का विश्वास है। घर और की लड़ाई नहीं रहेगी, वो अलग दल है, हमारा अलग दल है। अरे भाई, कोई कहता है तो चले, आप कोई कहता है 16 तारीख को रैली जो हम लोग वो अपना यात्रा का जो समापन किए थे उसमें आपको दिखा नहीं हाजीपुर में क्या माहौल था? देखिए, आप हमारे वो अगले दूसरे दल किसी दूसरे दल के वो अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, गठबंधन धर्म की हम मर्यादा में बोलते हैं और मर्यादा में ही बोल रहे हैं। अब कहाँ से आपको सूचना मिली है ये हम नहीं बता पाएंगे। हम तो 40 सीट की आप 23 की बात कर रहे हैं, हम 40 सीट की बात कर रहे हैं, हम 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे भाई, जिस गढ़ हैं एनडीए में है और 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे भाई, परिवारवाद, देखिए परिवारवाद क्या है, हमारे एक परिवार को तोड़ करके हमारे नेता के स्वर्गवास हो जाने के बाद चिराग पासवान जी को रोड पर छोड़ दिया गया था। चिराग पासवान जी ने ये बात तो है ही है कि रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद जिसकी जो लोग आज दावेदारी ठोक रहे हैं वो लोग तो रोड पर छोड़ दिए थे। पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, घर से बेदखल किया, उसके बाद बिहार की जनता ने चिराग पासवान जी को पर के नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। जनता मालिक होती है, चिराग मॉडल हमेशा रहता है। वहीं अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह ने दावा किया कि एनडीए में सीट बंटवारे पर मुहर लग चुकी है, हमारी पार्टी ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विदेश दौरे से लौटने के बाद 14 मार्च तक सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। देखिए, सीट बंटवारे का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे अपने प्रवास से तो उसी समय हो जाएगी। 14 तारीख आप मान के चलिए कि 14 तारीख को सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लगभग फार्मूला सेट हो गया है और लगभग वो फाइनल बस टच देना है उसको, वो स्पष्ट हो जाएगा, सबके सामने प्रकाशित हो जाएगा। देखिए, अब सुनी सुनाई बात पर मत जाइए, हाजीपुर हमारा फाइनल है। हाजीपुर से वर्तमान में सांसद हमारे नेता हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी तो मित्र रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, तो वो जानते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी किस विचारधारा के लोग हैं। तो हाजीपुर से हम लड़ेंगे और ये तो भीष्म प्रतिज्ञा है ना, इसमें तो कहीं कोई समझौते की गुंजाइश ही नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको स्पष्ट रूप से, जो हमारे साथ सांसद रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि पहलवान दिखाइए, तो हम तो अपने पहलवानों का बजाबते परेड भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के समक्ष कर चुके हैं, तो इसमें कहीं कोई इफबट की बात नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको मिलने जा रही हैं। जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे फाइनल टच देकर वो सभी सीटों की घोषणा दिल्ली में हो जाएगी। आप देख लीजिएगा 14 तारीख को जैसे ही सीटों पर अनाउंस होगा, चिराग पासवान इस गठबंधन से बाहर निकलकर
40 सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे, संभव तो हो सके तो विलय कर जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में, चूंकि उनके राजनीतिक अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव के संपर्क में ये तो दुनिया जानती है। उनके जो अभी आचरण हैं किसी भी गठबंधन में रहकर किस तरीके से दबाव और प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाता है, अपने को हनुमान बोलते हैं लेकिन ये कलयुगी हनुमान है। सतयुग के जो हनुमान थे प्रभु श्री राम की भक्ति और आराधना करते थे, लेकिन ये कलयुग के हनुमान है कि ये यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स और ब्लैकमेल की राजनीति अपने ही राम से कर रहे हैं, तो ये फर्जी हनुमान है। वहीं चिराग की पार्टी को लेकर चंदन सिंह ने यह दावा भी किया कि अपनी अनावश्यक डिमांड को पूरा न होते देख बेचैन चिराग पासवान एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद ही अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय कर सकते हैं। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।